नमस्कार, ये नए सबरंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। 2014 में MIM की तरफ से पत्रकार इम्तियाज जलील औरंगाबाद मध्य से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे और वो विधायक भी बने। उसके बाद वो 2019 में MP बने। पत्रकार विधायक हो फिर उसके बाद MP हो, एक ट्रेंड चालू हो चुका है। आज हम उदगीर तहसील में है। उदगीर तहसील से लातूर जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष नरसिंह बापू घोने ने आज टिकट भरा है। महाराष्ट्र में एक प्रथा है, चुनाव के पहले प्रचार का नारल फोड़ा जाता है, मगर आप देख सकते हैं पीछे हमारे लातूर जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये प्रथा तोड़ एक पेड़ पौधा लगाया है जिससे प्रचार की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ सीधे नरसिंह बापू घोने हैं। आइए बापू, पत्रकार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कहेंगे? लातूर जिले के अंदर उदगीर जो विधानसभा मतदार संघ है उसके अंदर आज तक BJP ने सलग 2 बार चुनाव जीती है। उससे पहले राष्ट्रवादी आई, उससे पहले फिर वापस BJP आई, लेकिन इन 40 सालों में आज तक जो MLA थे है एक भी काम नहीं किया है। जो इधर के 2-3 प्रोजेक्ट बड़े थे जो आंध्रा कर्नाटक बाउंड्री पे उदगीर शहर बसा हुआ है, जो ऐतिहासिक है, यहाँ लड़ाई हो चुकी है, किला है, सब है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर जमीन लेवल पे काम कोई आमदार ने नहीं किया, MLA ने काम नहीं किया है। इसलिए आज तक जो भी न्यूज पत्रकारों ने जो आँखों के सामने दिखाई देती न्यूज छपवाती है तभी ही इधर प्रोग्रेस होता है। इसलिए हमने सोचे पत्रकार लोगों ने कि हम ही चुनाव लड़ेंगे और हम ही उदगीर का विकास करेंगे। इसलिए अभी ये उदगीर तालुके के अंदर विधानसभा के अंदर कितने पत्रकार आपके साथ में हैं? उदगीर विधानसभा के सभी पत्रकार मेरे साथ हैं। आज प्रचार में आए हैं? आज प्रचार में आए हैं, सभी आप देख रहे हैं। ये सब ये जो लोग दिख रहे हैं ये पत्रकार भी हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं? सभी पत्रकार है, कार्यकर्ता है, और आज नया एक प्रयोग करके वृक्षारोपण, जो केंद्र शासन बोलता है कि वृक्षारोपण करो, साइंटिस्ट बोलते हैं वृक्षारोपण करो, और मराठवाड़ा सभी अकाल पड़े वाला है, और मराठवाड़े के अंदर लातूर जिला पूरा अकाल पड़े वाला है, इसलिए वृक्षारोपण करके अब पत्रकार इम्तियाज जलील ने भी चुनाव लड़ाया और विधायक भी बने। अब 2019 में वो MP भी बने हैं, इसको देखकर क्रेज चालू हो गया इम्तियाज जलील का क्रेज। इससे पहले हमारे यहाँ सुनील गायकवाड़ MP रह चुके हैं, उसके बाद इम्तियाज जलील औरंगाबाद से MP बन गए। अभी MLA बनने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन जनता मेरे साथ रहनी चाहिए, रहेगी, ये मेरे मुझे विश्वास है। क्या विकास के मुद्दे होंगे, क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा है उदगीर की जो दुड्डीरी है वो दुड्डीरी का विकास करना है। जो दूध के वजह से खेती के लिए साइड बिजनेस मिलेगा, गांव तक जाने के लिए रोड चाहिए, यहाँ मेन पानी का प्रश्न है, पानी यहाँ से जहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगा, मेरे कार्यकाल में अगर मैं चुन के आऊँगा तो कम्प्लीटली हर गांव में पानी मिल जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ उदगीर आंध्रा कर्नाटक बाउंड्री पे है, उसको इधर यहाँ शिक्षण माहिरगर बोलते हैं मराठी में, तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज शासकीय चाहिए, और बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ हाथीबेट है, हाथीबेट के लिए जो पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, लेकिन जितना प्रोग्रेस करना चाहिए वो नहीं हो गया है। जो वो दर्जे में हो जाता है वो मैं करने वाला हूँ। ढूंढी तात्या है जो प्रति पंडरपुर है वो विकास नहीं हो गया, उसका विकास करने का है। ऐतिहासिक जो किला है उसका विकास करना है। करटखेल से ये शुरुआत हुई है, करटखेल गांव में है, आज वृक्षारोपण कर झाड़ पौधे लगाकर प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में विकास का एजेंडा लेकर लातूर जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष नरसिंह बापू घोने
की चुनाव के मैदान में अखाड़े में उतरेंगे। जनता क्या आशीर्वाद देती है आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।